नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ निशा। पटना को सुंदर बनाने का सपना हर पटनाइस के दिल में है। जो शहर जहां हम और आप रहते हैं, वो शहर जहां हम पले बढ़े हैं और वो शहर जहां हम रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन पटना को सुंदर बनाने का जिम्मा वार्ड काउंसलर के कंधे पर होता है। लेकिन जब वही अपने जिम्मेदारी से भागने लगे तो पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है और ऐसे में हम वार्ड की कहानी आप तक लाएंगे और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 18 की, जहां के जनता इन दोनों परेशान दिख रही है। हम आपको वार्ड नंबर 18 की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक वीडियो को, जिसके देखकर आपको पता चल जाएगा कि वार्ड नंबर 18 में कितना विकास हुआ है। ये तस्वीर है वार्ड नंबर 18 का, जहां पर गली जो नली गली है, जहां के जनता को नली गली की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, जहां पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय गंदे पड़े हुए हैं, जहां के लोग परेशान दिख रहे हैं, शिक्षा का कोई मूल रूप का कोई समाधान नहीं है। यहां पे देखिए नली गली पानी की योजना से जनता परेशान है। और आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे वार्ड नंबर 18 के संजय सिंह से, जो इस इलाके के चर्चित नाम है, लोगों के बीच प्रिय हैं और इस वार्ड की जनता से उनसे काफी उपेक्षाएं हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद। अब हमें ये बताइए कि अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले अपने वार्ड के लिए वो कौन सा कार्य करेंगे जो जनता को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? हमारा क्षेत्र तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे क्षेत्र में तो बहुत सा काम बचा हुआ है जी, जो आज तक हुआ ही नहीं है जी। न तो इंदिरा आवास का एक भी कोई काम हुआ है। हमारे क्षेत्र में आज भी झोपड़ी में रहने के लिए लोग मजबूर हैं, मतलब बीच टाउन में आदमी कच्चा मकान में झोपड़ी में रह रहा है। हमारे क्षेत्र में तो क्या कहा जाए मैडम, वो तो देखने का चीज है जी। तो मतलब मूल रूप से जो आपके अकॉर्डिंग जो समस्याएं है वो नल जल योजना है, फिर नली गली है, स्वास्थ्य है और मतलब शिक्षा है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो क्या कुछ बेहतर करना चाहिए वार्ड की समस्याओं के लिए? पूरे पटना में जल नल योजना का काम हो गया है। हमारे 18 नंबर वार्ड में इतना स्थिति खराब है कि लोग 1,000 मीटर, 500-600 मीटर आगे से जाके आप पानी लाते हैं। बहुत सा ऐसा घर है जो पैसे वाले हैं, बोरिंग करवाए हुए हैं, घर में अपना बोरिंग का पानी पीते हैं, लेकिन बहुत सा आदमी है, गरीब गुरबा आदमी, जो कुछ दूर से जाके पानी लाता है, दूसरे के यहाँ से पानी ला के पीता है। नल जल का व्यवस्था हमारे यहाँ एकदम जीरो है। स्वास्थ्य का लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर कि मतलब हाँ यहाँ पर एक छोटा सा भी स्वास्थ्य केंद्र हो, जबकि आदमी को रात बिहार कभी किसी समय जरूरत पड़े तो जा सकता है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछले 5 साल में और पिछड़ के मतलब ये हो गया है। तो मतलब आपको जनता क्यों चुनेगी? क्या पहले भी सामाजिक कार्यों में आपका योगदान रहा है? हाँ, हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, समाज के लिए, जनता के बीच में हम हमेशा रहते हैं। अभी 8 दिन पहले 10 दिन पहले नगर निगम का स्ट्राइक हुआ था, सारा आदमी तो हम ही को बोला, हम ही बोल के अफसर से बात करके स्कूटी इंजीनियर से रात भर जाग के 2-3 दिन कचरा उठवाए हैं। हमेशा तो लगे हुए रहते हैं। स्ट्राइक का क्या कारण था, मतलब इस स्ट्राइक के बारे में जरा बताइए। स्ट्राइक तो मैडम ये सब तो सरकार का पॉलिसी है। अब लोग अपना वेतन के लिए, कुछ और सुविधा के लिए, कुछ प्राइवेट हैं उन अपना गवर्नमेंट जॉब कंफर्म के लिए, यही सब के लिए हर तरह का मुद्दा रहता है उन लोग का। तो जैसा कि हमने तस्वीरों को देखा वार्ड नंबर 18 में, बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहाँ पे कचरा का ढेर पड़ा हुआ जी, है जी, जी, तो जी, उन ऐसा तो होता है कि अभी सरकार वो हमेशा कचरा वाले आते हैं, वो कचरा लेकर जाते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 18 में इसकी क्या, इसकी कोई मतलब यहाँ पे कुछ कचरे वाले नहीं आते क्या? क्योंकि तस्वीर में वही दिख रहा है कि वहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उससे लोग बहुत परेशान। कचरा वाला आता है, कचरा वाला आता है, गाड़ी ले जाता है,
लेकिन बहुत सा सकरी गली है जिसमें नहीं जा पाती है, नहीं जा पाती है, उसके लोग जाके दूसरा जगह डाले, उससे नहीं हुआ तो जाके रोड पे डाल दिए। अब रोड पे कुत्ता है, जानवर है, वो सब उसको मुंह लगा के और पूरा छितरा के पूरा ही कर देता है। अब बारिश वरिश हुआ तो पूरा महकता है, बहुत ज्यादा महकता है। तो मतलब बेसिकली कि वहाँ के लोग इस चीज से भी जूझ रहे हैं, बहुत परेशानी है। परेशानी मतलब एक तरह का परेशानी नहीं है, हमारे वार्ड में पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ, और अभी जब नगर निगम का पार्षद का जब पावर जब्त हुआ उसके बाद में रोड बन रहा है, तो 3 ठो रोड बना है। एक रोड है जो पुलंदरपुर चौराहा से लेके एसके डेयरी तक आए, 1 साल होने जा रहा है, यही विश्वकर्मा पूजा आएगा, 1 साल होने जा रहा है जी। 1 साल से वो रोड पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं कम्प्लीट हुआ है जी। तो मतलब 1 साल से रोड पड़ा हुआ है, रोड को जाहिर सी बात है कि रोड में अगर काम स्टार्ट है तो वो मतलब काम चल रहा होगा, कार्य प्रगति पर लिख दिया होगा, एक टैगलाइन दे दिया गया होगा, लेकिन कार्य प्रगति पे नहीं होगा, और उस वजह से रोड में काफी गड्ढे भी हो गए होंगे, जिससे और लोगों की परेशानी से जो निदान मिलना था उस रोड के वजह से वो और परेशानियों में बदल गया होगा। देखिए मैडम, वहाँ पे मेन रोड है, बीजी रोड तो रहता ही है जी। काम उसमें लगा, फिर काम बंद हुआ, फिर लगा, फिर बंद हुआ, ऐसे ऐसे करके आज 1 साल से लोग वहाँ के जनता परेशान है जी। उस रोड से 25,000 आदमी का डेली आना जाना होता है, और अभी बारिश का मौसम है। ये तो अभी बारिश का मौसम है, इसके पहले गर्मी था, ठंडा था, उसके पहले भी बरसात था, लेकिन उस वक्त भी कोई नहीं इसको देखने वाला था जी। और इसके लिए मैं विधायक को लिखा, जो यहाँ के विधायक हैं, माननीय मंत्री भी थे उस वक्त आए, लेकिन कभी एक दिन सिर्फ आए, जबकि इनका विभाग भी नहीं है, एक दिन शिलान्यास करने के लिए आए, उसके बाद में फिर कभी झांकनी मारने के लिए नहीं, आज तक लगी कभी घूम के नहीं आए कि मतलब हाँ हमारा क्षेत्र का जनता मर रहा है कि क्या हो रहा है। तो मतलब कि ये आप, ये हम कह सकते हैं संजय जी कि जब चुनाव का टाइम होता है तब रोज प्रचार प्रसार होते रहता है कि हम जनता को ये करेंगे, जनता का विकास का कार्य करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता उनके सर पे चढ़ जाता है उसके बाद जनता को जैसे भूल ही जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को उन पर कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ एक बार शिलान्यास करने आए थे, उसके बाद वो कभी आ ही नहीं कि क्षेत्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके पहले उनके फादर भी विधायक वहाँ के रह चुके हैं जी, ये भी तीसरा चौथा टर्म 3 बार विधायक रह चुके हैं, 4 बार आए, इनको तो कम से कम देखना चाहिए, इनका वोटर है वहाँ पे, अच्छा वोट इनको वहाँ से मिलती है जी। लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अब क्या कहा जाए, कह के लिख के भी दिया गया मंत्री रहते हुए, लेकिन फिर भी नहीं देखने के लिए आए, अब क्या कहें, जनता तो मर रहा है। संजय जी हमें ये बताइए कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्या वार्ड वासियों को इसका लाभ मिल पाया था, क्योंकि कोरोना का जो 2 साल का जो कहर था उसमें वो जाने तमाम लोग थे जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे थे, ऐसे में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई थी, तो वार्ड वासियों को इसका लाभ मिला था या नहीं? मिला था, जिसका राशन कार्ड है उन लोगों को मिला है, अभी तक मिल ही रहा है, लेकिन अब फिर इधर जो है 1 किलो चावल, 9 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ कर दिया गया, पहले मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन उसी में कम बेसी सब चल रहा है लोगों का जी। तो संजय जी हमें ये बताइए कि वर्तमान पार्षद द्वारा किए गए कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? काम कहाँ हुआ है मैडम 5 साल से, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग वो कोई काम नहीं किए हैं? 5 साल से तो कोई काम नहीं हुआ है, इधर 1 महीना के अंदर में 2-3 ठो रोड बना है, वो भी रोड कैसे बन रहा है, कैसे मतलब न कोई देखने वाला है न सुनने वाला है, जनता बोल रही है कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, न किसी को इस्टीमेट देते हैं न कुछ करते हैं, जैसे तैसे अपना ढाल ढूल के अपना काम चल रहा है। तो मतलब कि जो वर्तमान पार्षद थे संजय जी, तो उन जब वो चुनाव का टाइम था तब तो बड़े बड़े वादे किए होंगे और जनता का विकास की भी बातें कहे होंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप ये बोल रहे हैं कि वो 5 सालों में वो कार्य हुए ही नहीं जो जनता को चुनाव से पहले बताए गए थे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं जी, ये तो वहाँ का जनता ही बता सकता है कि मतलब कितना वो विकास किए हैं या क्या किए हैं जी। मतलब हमारे क्षेत्र का 18 नंबर
ये 5 साल में और पिछड़ के बहुत पीछे चला गया, आज से 25 वर्ष पीछे चला गया। तो कहीं ना कहीं आप उनसे संतुष्ट नहीं है? अब हम वहाँ का तो जनते नहीं संतुष्ट है, हम क्या संतुष्ट हो गए। तो अपने वार्ड के विकास के लिए आपने कौन कौन से कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं, और अगर आपको जनता चुनती है तो वो कौन कौन से कार्य होंगे जिनके लिए जनता आपको चुनाव में जीत का ताज पहनाएगी? अब ये तो जनता ही बताएगा कि हम क्या जनता के लिए किए हैं और क्या कर रहे हैं। पिछले मतलब 4-5 साल से जो मैं कर रहा हूँ वो जनता ही बता सकता है, हम अपने से क्या बता सकते हैं जी। लेकिन ये है कि मैं हमेशा जनता के साथ सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। किसी का कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो या किसी भी तरह का परेशानी है, उसमें हम जनता के साथ हमेशा रहते हैं। तो मतलब कि आपका जनता के साथ हमेशा एक ऐसा लगाव रहा है कि अगर जनता को कोई परेशानी होती है तो जो वर्तमान में जो पार्षद है उनके पास ना जाके जनता आपके पास जरूर आते हैं और आप उनके परेशानियों का समस्याओं का समाधान करते हैं। पिछले 1-1.5 साल से तो मतलब काउंसलर का काम तो हम ही कर रहे हैं, मतलब आधा काउंसलर का काम आप कर रहे हैं। हम ही कर रहे हैं, दूसरा तो कोई कर ही नहीं रहा है। काउंसलर के पास तो जाता भी नहीं है, वहाँ जाता है तो कहता है कि भागो नहीं तो प्रशासन के बुलावेंगे। तो ये कोई बात तो हुआ नहीं, वोट दिया फिर भी नहीं दिया। तो आप हैं तो जनता के प्रतिनिधि, काम तो आपको उनका करना चाहिए, एकदम करना चाहिए था, लेकिन तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वहाँ के जनता से पूछिएगा, आप लोग एक एक चीज का हिसाब आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन क्या किया नहीं किया, सब जनता बता देगी। अब वोट खरीदने से नहीं मिलता है मैडम, उसको वही तो बोल रहे ना संजय जी कि चुनाव से पहले लोग बोलते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे, हम समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन जैसे ही जीत का ताज उनके सर पर चढ़ जाता है, ना जनता का विकास होता है ना समस्याओं का समाधान होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पटना में, जहाँ पे सारे जगह पे है, लेकिन एक होता है कि यहाँ पे ना नल जल की व्यवस्था की गई है। बिहार की राजधानी है पटना, जहाँ पे नल जल की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं है, नली गली की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, जगह जगह पे कचरे की ढेर पड़ी रहती है, शिक्षा व्यवस्था वैसे ही डामाडोल पड़ा हुआ है। तो जब बिहार की राजधानी में ये हाल है तो आप ये बताइए कि और सब जगह कहाँ से होगा। और लोग बोलते हैं कि हमें जिताइए हमें जिताइए, तो वो जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका सत्ता पे जो ताज मिल जाता है उसके बाद जनता गया कहाँ गया कुछ पता नहीं। आपने भी बोला कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र वार्ड 18 में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जो सराहनीय हो। जी जी, जनता काम तो करने के लिए है, काम करने का इच्छा भी होना चाहिए जी। काम करने के लिए आदमी का अपना इच्छा होना चाहिए, अपना भी पावर होना चाहिए, ताकत होना चाहिए कि हम काम किससे करवाएं, किस मंत्री से करवाएं, किस विधायक से करवाएं, जो फंड लेके आए यहाँ पे हम काम करवाएं। तो अपना अपना ये होता है। तो खैर दिखलाने का चीज है कि पिछला आज 2022 तक क्या हुआ, आज 2022 के बाद में संजय सिंह के आने के बाद में क्षेत्र में क्या काम हुआ वो तो फिर पता चलेगा। ऐसे अपने से हम अपना बड़ाई क्या बोले। आपने बोला था कि वार्ड नंबर 18 में जलजमाव की बहुत समस्या होती है, इसके निराकरण के लिए आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं वार्ड पार्षद ना रहते हुए? मैं तो पार्षद महोदय से 2-4 बार फोन करके बोला। अच्छा, आपने भी फोन करके? जी उनसे बोला तो वो बोले कि ठीक है भैया जी करवाते हैं, फिर नहीं करवाए। तो नहीं करवाए तो फिर हम स्कूटी इंजीनियर को फोन करते थे, सफाई निरीक्षक को फोन करते थे, उनके द्वारा उन्हीं का आदमी आता था काम करने के लिए, वो लोग आके हमारे क्षेत्र में सब जगह जो है नली गली जहाँ जाम रहता था उनके द्वारा हम करवाते थे जी। स्कूटी इंजीनियर से सफाई निरीक्षक को फोन करके वो लोग आदमी भेजते थे, काम होता था। मैं 2-3 बार इनको फोन किया, पप्पू जी को, उसके बाद में ही बोले कि संजय भैया करवा देंगे। तो मतलब कि वर्तमान मेयर का जो विकास कार्यों में आपका जो सहयोग मिलना था, जैसा आपने किया है, जो जितने भी लोगों को आपके 6 वार्ड के लोगों को जो भी समस्याएं होती है वो आपने बताया कि वो आपके पास आते हैं, आप उनके समस्याओं को जाहिर सी बात है समाधान भी करते होंगे, तो वर्तमान में जो पार्षद है उनका आपका सहयोग मिलता है या नहीं?
वो हमको का सहयोग करेंगे। तो मतलब आप एक पार्षद ना होते हुए भी, संजय जी आप एक पार्षद ना होते हुए भी आप जनता के समस्याओं का समाधान निकाले, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होती होगी। तो उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम तो उनको बोले कि भाई पप्पू जी काम करवा दीजिए, पार्षद जी काम करवा दीजिए, लेकिन वो नहीं सुने। तब तो हम लोग को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। अगर वो करते तो हम उसी से काम करवाते, लेकिन वो नहीं करते हैं तो हम स्कूटी भी नहीं, वो फोन करते हैं, सफाई निरीक्षक को फोन करते हैं, उनसे फोन करके करवाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को थाना में ही कोई काम पड़ गया, आजे तो हम सुबह से थाने पर बैठे हुए हैं, कुछ आदमी का लफड़ा हो गया था, वही सब करवा उड़वा के अभी आपके बीच आए। तो संजय जी ये आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए और आपके वार्ड नंबर 18 के दर्शकों के लिए, वो लोगों के लिए, कि अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले अपने वार्ड के लिए आप सबसे पहला आपका क्या कार्य रहेगा? सबसे पहला काम तो मैडम हमारा होगा कि पूरे क्षेत्र में मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा जी, जिससे मतलब भय मुक्त रहे हमारा क्षेत्र। उसके बाद में जो नली गली का समस्या है, सड़क का, स्वास्थ्य का, ये सब काम करवाऊंगा महिला लोग के उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर उत्थान का बात किया संजय जी, तो महिलाओं के लिए क्या करने वाले हैं? महिला लोग के लिए तो हम कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे जी। जो स्वयं सेवी संस्था है जी, उसको वहां पे लाएंगे, इन लोग को कुछ ट्रेनिंग दिलवाएंगे, कुछ जो मदद होगा, हमसे मदद होगा, गवर्नमेंट से मदद होगा, वो करवा के आत्मनिर्भर बनाना है, जो किसी का मोहताज नहीं रह सके, सब अपने ऊपर निर्भर रहे, कि मतलब जो भी आया दो पैसा कमाया, अपना अपने ऊपर निर्भर रहे। महिला लोग के ऊपर में विशेष मेरा ध्यान के लिए संजय जी जी, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए तो बोल ही रहे हैं कि शिक्षा के लिए वहाँ पे हम जगह देखेंगे, जगह देखने के बाद में वहाँ स्कूल का निर्माण करवाएंगे, ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य का, शिक्षा का तो एकदम वहाँ पे जरूरत है जी। जगह भी है लेकिन देखने वाला कोई नहीं, कोई है, नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला। अब उतना हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं कि हाँ ये जगह है तो इस जगह पर ऐसा चीज होना चाहिए, समाज कल्याण का काम होना चाहिए, तो अब नहीं जुटाते हैं, लेकिन हम तो जुटाएंगे, एक कहना ही नहीं है, इसलिए कि हमको लालच नहीं है किसी चीज का जी। तो हमको किसी चीज का लालच नहीं है, तो हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, उसी तरह से रहेंगे, जो उनका डिमांड रहेगा वो पूरा होगा ही होगा जी। जी, तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 18 के संजय सिंह जी, जो कि पटना को एक खूबसूरत बनाने का प्रण लिए हुए हैं। तो धन्यवाद संजय जी हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए वी न्यूज के साथ। नमस्कार। आईटीआई की